अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक क्विक स्नैक रेसिपी जो किसी भी टाइम आपको भूख लगे तो सिर्फ 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चिकन लिया है 250 ग्राम, एक अंडा उसमें डाला है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, आधा चम्मच के करीब नमक लिया है हमने इसमें, और 2 चम्मच भर के हमने इसमें डाला है मैदा। देखिए, साथ ही साथ इसके साथ साथ हमने 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है। ये 250 ग्राम है तो मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जितना चिकन आप लेते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ आधी चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड की है मैंने, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नींबू का रस, और बस अब इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स, कोई लम्स ना रहे इसमें, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और अच्छे से मिक्स करके ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल हमारा मिक्स अब तैयार है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने रिफाइंड ऑयल लिया है जो ऑलरेडी हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सारे जो हमारे चिकन के पीसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, एक एक करके सारे पीसेस ऐड करेंगे। इसे मीडियम मतलब फ्लेम पे ही आपने पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए अंदर से। ये देखिए, हमने डाल दिए हैं अपने सारे चिकन के पीसेस, देखिए पलट दिए हैं हमने, और इसको अच्छे से हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, जहाँ जहाँ से कच्चे हों आप वहाँ वहाँ से पलट सकते हैं। ऐसे पलटते हुए हम इसे फ्राई करेंगे कम से कम 10 मिनट, मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं रखना है हमें, हाई फ्लेम पे सारे जल जाएंगे और चिकन हमारा अच्छे से टेंडर नहीं हो पाएगा। ये देखिए, मैं जो जो मुझे लग रहा है उसे मैं पलट रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे अब सिक चुके हैं, अब हम इन्हें निकालते हैं और डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए, गर्मा गर्म चिकन स्नैक्स तैयार है, कभी भी बनाइए, जस्ट 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है, और बच्चे तो खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे आप। तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मरियम फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।